हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन है बच्चों, विद्युत विभव क्या है? विद्युत विभव क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? विद्युत विभव को इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव। मैं लिख भी देता हूं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, PoTENTIAL, पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है पावर, विद्युत विभव। ध्यान समझो बच्चों, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, साइन ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, ध्यान समझिए, मैं इस वीडियो में आपको बहुत बढ़िया से समझा दूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ध्यान समझो बच्चों, देखिए एकदम आसान भाषाओं में, सबसे आसान भाषा में समझाऊंगा, सबसे आसान, सिंपलेस्ट, सरलतम फॉर्म में। ठीक है बच्चों, देखिए, जब टू पॉइंट, वन पॉइंट मान लेते हैं, ये पॉइंट एक है और पॉइंट एक बी है। ध्यान समझिए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, टू पॉइंट। ठीक है, ध्यान समझिए, मान लेते हैं ये इनफाइनाइट है। क्या बच्चों? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, और ये है कोई स्पेसिफिक पॉइंट, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक पॉइंट, या कोई खास पॉइंट है। समझे? समझिए, समझिए, ये अनंत है और ये कोई खास स्पेसिफिक बिंदु है, खास बिंदु। ध्यान समझिए, देखिए, जब कोई धन आवेशित चार्ज को इनफाइनाइट से एक बिंदु यहां तक लाने में, ध्यान समझो, जब कोई धन आवेशित कण को ध्यान समझिए, जब कोई धन आवेशित कण को इनफाइनाइट से स्पेसिफिक पॉइंट पर लाने में जो वर्क डन होता है, वर्क डन मतलब किया गया कार्य होता है, उसे ही कहते हैं क्या? उसे ही कहते हैं विद्युत विभव। क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत विभव। ध्यान समझिए, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, ध्यान समझिए, या आप ऐसे भी, इस तरह से मैंने किया, जब आप एक पॉइंट से, एक पॉइंट है मान लो प्लस क्यू धन आवेश, प्लस क्यू चार्ज है, यहां पे क्या है? प्लस क्यू चार्ज है। प्लस क्यू चार्ज क्या है? कौन चार्ज है बताओ? प्लस क्यू चार्ज। देखो, जो चार्ज होती है ना, चार्ज आवेश, इसको हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को फिजिक्स में हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से। अब यहां से प्लस धन आवेश कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वही होता है विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट। आप आसान भाषा में लिखेंगे बच्चों, ऐसे इसका डायग्राम जरूर पढ़ना, परीक्षा में अगर क्वेश्चन आता है तो इसको दो बिंदु करके हाईलाइट करके लिखना। जब ध्यान समझिए, फिर समझिए, जब इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश मतलब एक, एक धन आवेश को, किसको? एक इकाई मतलब एक, एक धन आवेश को, आवेश कण को जब इनफाइनाइट से, जब आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे लाते हैं और उसमें जो वर्क डन होता है, क्या होता है? वर्क डन मतलब होता है किया गया कार्य। इसमें जो वर्क डन हुआ, क्या हुआ? वर्क डन। क्या हुआ बच्चों? वर्क डन। उसमें जो किया गया कार्य होता है, यही होता है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसे ही बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हिंदी में विद्युत विभव कहते हैं। विद्युत विभव। क्यू, क्यू क्या होता है बच्चों? क्यू होता है एक धन आवेशित कण। ठीक है ना, धन आवेशित कण। हाँ, इस ध्यान का, जब एक धन आवेशित कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु या इन्फाइनाइट से कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे लाते हैं, समझे, तो उसे ही क्या कहते हैं? विद्युत धनावेश। क्या कहते हैं? विद्युत धनावेश कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत विभव कहते हैं बच्चे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते बोलो? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नहीं समझाया? समझाया? फिर समझिए, लास्ट बार समझा रहा हूं, ध्यान समझो। इन्फाइनाइट से
कोई धनावेशित कण है क्यू यहाँ से, या मान लो कोई क्यू चार्ज है मतलब आवेश, चार्ज मतलब सी एच ए आर जी ई चार्ज, चार्ज का मतलब आवेश, ठीक है ना। आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से, बोलो ना, क्यू से। और यहाँ से ये आ रहा है और यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंच गया इस बिंदु पर, यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ, और यहाँ पर पहुंचने में जो एफर्ट लगता है, जो वर्क डन होता है, वर्क डन किया गया कार्य, तो उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ, और इसे ही हिंदी में कहते हैं विद्युत विभव, विद्युत विभव, समझे। और इसका मात्रक याद करना, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, क्या होता है वोल्ट, वी ओ एल टी, ये एग्जाम में खूब पूछता है, विद्युत विभव का ऐसा मात्रक बताइए तो क्या होगा, वोल्ट। और इसका परिभाषा और डायग्राम जरूर लिखना, इन्फाइनाइट अनंत बिंदु और यहाँ से स्पेसिफिक पॉइंट, समझे, या यहीं से ऐसे करके लिख देना उल्टा, कोई दिक्कत इसके लिए नहीं है। लेकिन धन, हाँ, लेकिन कंडीशन होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, धन आवेशित कण क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और वो धन आवेशित कण मतलब वो चार्ज होना चाहिए, क्या होना चाहिए, चार्ज, समझे, और इकाई मतलब एक होना चाहिए। और उसमें जो उसमें यहां से यहां ले जाने में जो वर्क डन होता है, जो जो किया गया कार्य होता है, जो एफर्ट करना पड़ता, जो प्रयास करना पड़ता, जो जितनी एनर्जी लगती है, समझे, तो उसे ही कहते हैं क्या, विद्युत विभव। समाया जी, नहीं समझे, समझ गए पूरा 100%। चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, ये एक मैंने छोटा सा, ये दो नंबर में पूछता है, आपको डिटेल्ड में नहीं लिखना है, यू डोंट नीड टू राइट इन डिटेल, आप प्लस एक डायग्राम पार देना इस तरह से, ठीक है, और इसको जो भी बात बताया उसको बढ़िया से पेपर में लिख देना, दो नंबर में ज्यादा नंबर ज्यादा लिखना भी नहीं है, क्योंकि लिखा होता है वर्ड लिमिट में, समझो, वर्ड लिमिट में लिखना पड़ता है, इसलिए ज्यादा लिख दोगे उसमें भी नंबर कट जाएगा, कम लिखोगे इसमें भी कटेगा, एक मतलब बैलेंस बना करके आपको चलना पड़ेगा, संतुलन, आपको एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो यही वीडियो था, विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई होप यू गॉट इट, ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।